बहुत तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। अंडर 19 वर्ल्ड कप में दो भारतीय सितारे उदय शहारण और सचिन दास ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगभग हारा मुकाबला जितवा दिया और भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट दिला दिया है। 32 रनों पर भारत की चार विकेट गिर गए थे, लेकिन उदय और सचिन ने हार नहीं मानी और भारतीय टीम को वहां से मुकाबला जिताया जहां से कल्पना करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। यहां पर अगर बात कर जाए उस पारी की बदौलत, आप पहले ट्वीट देख लीजिए जब भारत को जिताया तो यहां पर सौरभ गांगुली ने उसकी तारीफ करी और साथ ही यहां पर जिस तरीके से पांचवीं बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंचे उसकी तारीफ करते आपको गौतम गंभीर भी यहां पर दिख जाएंगे। लेकिन मुकाबले की अगर बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 244 रन बनाए थे, जो लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन विकेट अगर आप देखें तो तेज गेंदबाजों के अनुकूल थी। जो हुआ भी पहली ही गेंद पर भारतीय टीम का विकेट गिर गया, आदर्श ओपनर पहली ही गेंद पर आउट हो गए और देखते देखते 32 रनों पर चार विकेट भारतीय टीम ने खो दिए थे। अब यहां से लग रहा था कि शायद मुकाबला जीत पाना बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन कप्तान उदय ने वो भरोसा खुद पर दिखाया और साथ ही दूसरे खिलाड़ियों को खिलाते चले गए। सचिन, जिन्होंने पिछले मुकाबले में नेपाल के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था, उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत उसी तरीके से की, लगातार अटैकिंग बल्लेबाजी करते रहे और उदय के साथ मिलकर उन्होंने पांचवें विकेट के लिए 171 रनों की पारी खेल दी। यहाँ पर थोड़ी सी अनलकी जरूर रहे सचिन, जो 96 रन बनाकर आउट हो गए, शतक नहीं पूरा कर पाए, लेकिन भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी जो लगभग लगभग मुश्किल थी। और भारतीय टीम ने लगातार पांचवीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में लगातार पहुंची है, ओवरऑल तो 9 बार भारतीय टीम पहुंच चुकी है। वहीं अगर बात करें इस मुकाबले में तो सचिन ने 96 रनों की पारी खेली और वहीं उदय ने 81 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत अगर आप देखें तो सचिन के लिहाज से अगर आप जानना चाहें तो सचिन महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनके पिताजी अगर आप देखें तो उनकी जर्सी का नंबर भी 10 है, जो सचिन तेंदुलकर से ही खास कनेक्शन है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा सचिन जैसा ही बने, तो उन्होंने 10 नंबर की जर्सी, उनको बोला कि आप 10 नंबर की जर्सी ही पहनी है। और अगर आप देखें इससे पहले सुनील गावस्कर के भी उनके पिताजी बहुत बड़े फैन रहे, तो उनके चाहते हैं उनका बेटा उस तरीके का ही बन पाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें उनकी माता जी नहीं चाहती कि बेटा क्रिकेटर बने, नहीं चाहती थी कि क्रिकेटर बने, वो भी एथलीट रही हैं, वो भी कबड्डी प्लेयर रही हैं, और तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि सचिन इतनी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो उन्होंने फिर सपोर्ट किया और आज सचिन के बारे में पूरा देश बात कर रहा है कि भाई इस खिलाड़ी का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। वहीं उदय की बात कर लिया तो उदय भी बड़े शानदार खिलाड़ी हैं, टीम इंडिया के कप्तान भी हैं और इससे पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले लिस्ट में वो सबसे ऊपर दिख जाएंगे। आपको सबसे पहले अगर आपको लिस्ट बताऊं, इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में उदय शहारण ने 6 मुकाबलों में 389 रन बनाए, इस दौरान उनका जो एवरेज रहा है वो 64.83 का है। वहीं मुशीर खान ने 6 मुकाबलों में 338 रन है जिनके 67.60 का एवरेज है। वहीं अगर आप देखें सचिन दास का, जिन्होंने 6 मुकाबलों में 294 रन बनाए, इस दौरान इनका एवरेज जो है वो 73.50 का है। यहाँ पर स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो सचिन का स्ट्राइक रेट भी यहाँ पर सबसे बेहतर आपको नजर आ जाएगा। तो ये हमारे टॉप 3 बल्लेबाज हैं जो इस वक्त अंडर 19 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली लिस्ट में है, तो ये अपने आप में बड़ी खास बात हो जाती है। तो उम्मीद करेंगे इन्होंने फाइनल तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया है और फाइनल भी भारतीय टीम लगातार दूसरी बार जीतेगी, क्योंकि पिछली बार यशदुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने अंडर 19 का खिताब जीता था। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पर भारतीय टीम खिताब जीते और जो परचम है उस तरीके से लहराता रहे। बाकी आपको क्या लगता है कि सचिन दास की बल्लेबाजी और भारतीय टीम की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, उसके बारे में कमेंट जरूर करें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।